यस देखिए दोस्त, आपके सामने में ये प्यारा सा फुटबॉल टर्फ, आर्टिफिशियल फुटबॉल टर्फ एट द लांगजिंग पाछो एरिया ऑफ द इम्फाल वेस्ट। सो लेट मी शो यू द सराउंडिंग 360 डिग्री। दिस इज द मेन फुटबॉल ग्राउंड, मेन साइज, फुल साइज। सो दिस इज द 360 डिग्री व्यू। सो दोस्त, आपको मुझे ये बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि ये जो फुटबॉल टर्फ है याक स्पोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ मणिपुर, गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर के द्वारा बनाया हुआ है। और मैं आपको यहाँ का टर्फ के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेलिंग बताऊँ। ये जो है लाइनिंग वगैरह सब प्रोफेशनल तौर पे खींचा गया है। और देखिए यहाँ पे जो फुटबॉल आर्टिफिशियल टर्फ का ये खूबी है, इसमें मिट्टी नहीं और कहीं बालू भी नहीं है, और ये लाइनिंग भी किया गया है, और ये पूरा प्रोफेशनल तौर पे। और इस शाम के वक्त में सभी बच्चे खिलाड़ी मज़े से खेल रहे हैं। सो ऐसे ही बनता है प्लेयर, ऐसा ही बनता है हमारे अंतर्राष्ट्रीय रिप्रेजेंटेटिव फुटबॉल प्लेयर भारत का। तो मणिपुर से भी बहुत सारे खिलाड़ी अभी लीग मैच में भी और अलग अलग क्लब्स में भी खेल रहे हैं, आपको भी वैसे पता है। और मैं आगे की ओर आपको दिखाता हूँ। हाय हाय ऑल, मेरा नाम ज्ञानेश्वर लाइटंजम, मैं निखे पुखरी से हूँ। चलिए, बहुत सारे बच्चे लोग भी मज़े से खेल रहे, कुछ तो जॉगिंग भी कर रहे हैं। तो ऐसा ही बनता है हमारा खिलाड़ी। और ये गर्व की बात है, आर्टिफिशियल फुटबॉल टर्फ 2020 में हमारी चीफ मिनिस्टर श्री एन बीरेन सिंह और मिनिस्टर लेटपाव हॉकीप और मीराबाई और हमारे आर के इमो, इन सब वीआईपीज डेलीगेट्स के मौजूदगी में ये फुटबॉल टर्फ सभी हमारे स्टेट वासियों को अर्पित किया गया है। सो दिस इज़ द आर्टिफिशियल फुटबॉल टर्फ ऑफ लांगजिंग अचोबो इम्फाल वेस्ट। और आप देखिए चारों तरफ पूरी हंसी वादियाँ है। तो खिलाड़ी अपना प्रैक्टिस करते हुए, रनिंग दौड़ते हुए तो देखिए अभी पापा के साथ आया हुआ है बच्चे लोग भी। तो ऐसे ही करके हमारे यहाँ पे जोश और जुनून कायम है। और यहाँ के बच्चे लोग यूरो कप अदुगा और हमारे कोपा अमेरिका रात भर जाग जाग के देखते हैं। और ये देखिए एक बेहतरीन किक हमारे खिलाड़ी की ओर से और ये गोल के ऊपर से जाते हुए। सो दिस इज़ द फुटबॉल आर्टिफिशियल फुटबॉल टर्फ। सो वेलकम। सो लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि स्पोर्ट्स के स्पिरिट को जिंदा रख सके। थैंक यू ऑल।